नमस्कार, विभाग्यश्री बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। ड्राइविंग लाइसेंस की 18 सुविधाएं ऑनलाइन, आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत खत्म, आधार से होगा वेरिफिकेशन। और लिस्टिंग प्राइस से 3 गुना बढ़ा आईआरसीटीसी का स्टॉक, आगे भी 40% बढ़त की उम्मीद। कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का असर सोने की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। वैक्सीनेशन के चलते सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने में निवेश के प्रति निवेशकों का रुझान कम हुआ है। इस वजह से गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई है। गुरुवार को सोना 217 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 44,372 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। सोने की राह पर चांदी भी रही। चांदी की कीमत में भी 1,217 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई और यह 67,000 के नीचे 67,598 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। एक कारोबारी दिन पहले राजधानी दिल्ली में चांदी के भाव 67,815 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुए थे, जबकि सोने का भाव 44,589 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। दिल्ली सराफा बाजार के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने में हल्की मजबूती दिखी। कमजोर हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया, जिससे वायदा बाजार में चांदी वायदा कीमत 750 रुपए की गिरावट के साथ 67,250 रुपए प्रति किलो रह गई। अक्सर लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय ने इस मामले में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस की सभी सुविधाएं ऑनलाइन मिल जाएगी। इसी के आधार पर आपका वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन हो जाएगा। इससे आपका समय और पैसा बचेगा। इसके अंतर्गत 18 सुविधाओं को डिजिटल करने का विचार बना गया है। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको parivahan.gov.in वेबसाइट पर अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कराना होगा, जिसके बाद 18 सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे। मंत्रालय ने गुरुवार को आधार वेरिफिकेशन के जरिए कॉन्टैक्ट लेस सर्विस भी शुरू की है। इस सेवा के शुरू होने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन के रिन्यूअल के लिए आरटीओ नहीं जाना होगा। पहचान दस्तावेज के तौर पर आपको सिर्फ आधार कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में ये भी कहा है कि पोर्टल के जरिए कॉन्टैक्ट लेस सर्विस का फायदा उठाने के लिए आपको किसी भी व्यक्ति को आधार वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप लेकर भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस वजह से आप 5 मुख्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस सेवा के अंतर्गत लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस विशेष तौर पर होगा। रिन्यूअल लाइसेंस में अब आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। डुप्लीकेट लाइसेंस भी इसी लाभ के अंतर्गत आएगा। लाइसेंस के पते में बदलाव, इंटरनेशनल परमिट जारी करने की सुविधा है, ओनरशिप के ट्रांसफर के नोटिस की भी सुविधा इसी के दायरे में आएगी। बता दें कि इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इसके लिए आधार कार्ड के जरिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद वेरिफिकेशन होगा। फिर आप जिस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें, आप उसके लिए आवेदन करें। और इन सभी चीजों के लिए अब तक लोगों को आरटीओ ऑफिस ही जाना पड़ता था। इसके लिए दलाल हजारों रुपए लेकर ग्राहकों को परेशान करते थे, लेकिन अब इस नए नियम से आपकी ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। शेयर बाजार में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC का शेयर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। गुरुवार को गिरावट के बीच IRCTC के शेयर ने एक साल के सबसे उच्च लेवल 2014.60 छुआ। यह अपने इशू प्राइस से 3 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। शेयर ने अपना पिछला हाई 25 फरवरी 2020 को 1,995 रुपए की भाव को छूकर बना था, लेकिन मार्च में भारी गिरावट के दौरान शेयर 775 रुपए तक फिसल गया है। हालांकि एक साल की अवधि में शेयर सबसे निचले स्तर 160% चढ़कर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। बाजार में IRCTC की एंट्री 14 अक्टूबर 2019 को हुई थी। शेयर 644 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ, जबकि इशू प्राइस 320 रुपए प्रति शेयर था। लिस्टिंग के बाद से शेयर 3 गुना बढ़ा है, यानी निवेशकों को प्रति शेयर 213% का रिटर्न मिला है। कंपनी एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि वह 14 मार्च से स्वर्ण रथ से प्राइड ऑफ कर्नाटक और ज्वेल ऑफ साउथ का ट्रिप शुरू करने वाले हैं। कंपनी का ऑनलाइन टिकट बुकिंग में अधिकार है। करीब 600 रेलवे स्टेशन के लिए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और कैटरिंग सर्विसेज देती है।
रेल निर्बैक वाटर अन्य से 33% सस्ते दर पर मिलता है। अब बीमा कंपनी से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन अपनी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है। उसने कहा है कि नियमों में बदलाव क्या क्या है, इसके तहत बीमा कंपनी को कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना होगा ताकि पॉलिसी धारक अपनी शिकायतों की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सके। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि बीमा सेवाओं में कमियों के संबंध में शिकायतों को तुरंत सुना जाए, इसलिए बीमा लोकपाल नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को दिए अपने बजट भाषण में कई सारे ऐलान किए थे। इसमें से एक ऐलान आपके इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि यूनिट पॉलिसी को लेकर बजट में एक बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार का यह कदम निवेशकों को इंश्योरेंस और निवेश की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। इन्हें अब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के तौर पर खरीदा जाएगा। इस मामले में म्यूचुअल फंड के साथ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। ज्यादा प्रीमियम वाले नए यूनिट में टैक्स एडवांटेज खत्म होने के साथ इक्विटी म्यूचुअल फंडों में इनफ्लो बढ़ना चाहिए। यूनिट ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों फीचर्स उपलब्ध है, यानी कि निवेशकों को न सिर्फ रिटर्न मिलता है बल्कि उन्हें लाइफ कवर भी मिलता है। अभी तक इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत यूनिट पर 1.5 लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन बेनिफिट लिया जा सकता था। हाल ही सब इंश्योरेंस के 10% से कम प्रीमियम के यूनिट टैक्स फ्री होती थी, लेकिन इस बार 2021 से 22 के बजट में 2.5 लाख रुपए से अधिक के सालाना प्रीमियम के यूनिट पॉलिसी को टैक्स दायरे में लाया गया है। अगर आसान शब्दों में कहें तो बजट 2021 में प्रावधान किया गया है कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम वाले यूनिट में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इस तरह इन यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान यानी यूनिट से हुए पार्टी को कैपिटल गेन माना जाएगा। ऐसे यूनिट पर इक्विटी फंडों की तरह टैक्स लगेगा, यानी आप जो प्रीमियम भरेंगे उस पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी बल्कि आपको टैक्स देना होगा। अभी इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर किसी रकम को सेक्शन 10-10D के तहत टैक्स छूट मिलती है। यही छूट यूलिप को इक्विटी फंडों के मुकाबले बढ़त देती है। यूलिप में निवेश और बीमा दोनों की मिला जुला कर पेशकश की जाती है। खबरें समाप्त करने से पहले आगे डालते एक नजर आज के सुर्खियों पर। ड्राइविंग लाइसेंस की 18 सुविधाएं ऑनलाइन, RTO ऑफिस जाने की जरूरत खत्म, आधार से होगा वेरिफिकेशन। और लिस्टिंग प्राइस से 3 गुना बढ़ा IRCTC का स्टॉक, आगे भी 40% बढ़त की उम्मीद। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।